यो व्हाट्सअप रॉयल्स, दिस इज योर फ्रेंड रॉयल किलर। आप देख रहे हो और एपिसोड माइंड क्राफ्ट का। तो गाइज, आज जो एक और माइंड क्राफ्ट का वीडियो लेकर, और आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक हमारा सर्वाइवल सीरीज में मब फार्म। तो चलिए, सबसे पहले तो इसमें जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें लेकर आते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते। तो आ चुके हमें जो जो चीज़ें चाहिए थी वो सारी चीज़ें लेकर, और इस चेस्ट में भी थोड़ी बहुत चीज़ें रखी है जो मैं ले लेता हूँ, जैसे कि चेस्ट और ये कारपेट, और ये होपर्स को यहाँ पे ऐसे लगाएंगे हम। अरे थोड़ा, तो एक सेकेंड, ये निकालो यहाँ पे, और क्या कर रही यहाँ पे, नहीं ये भी, एक सेकेंड ये भी निकालो। सबसे पहले तो यहाँ पे ये दो ब्लॉक तोड़ेंगे, और यहाँ से लेंगे हम चेस्ट, और चेस्ट को इस, अरे ये गलत लग गया, कोई नहीं, इसे ठीक करता हूँ पहले। तो ऐसे लगाएंगे, उसके ऊपर ऐसे लगा देंगे ऊपर, और पीछे की तरफ दोनों ऊपर को फेस करते हुए दो ऊपर, दो और ऊपर लगाने के बाद उसके ऊपर हम लगाएंगे कारपेट्स चारों के ऊपर। तो पहले यहाँ पे ऊपर चारों बॉर्डर हम करने वाले हैं कंप्लीट, ठीक। तो पहले यहाँ पे ऐसे 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 चार कारपेट, उसके बाद कोबलस्टोन्स ले लेते हैं और स्लेब ले लेते हैं थोड़े, और कोबलस्टोन ज़्यादा चाहिए तो ले लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो उसके बाद ये वाली साइड को यहाँ से ऐसे कवर करेंगे सारे ऊपर की तरफ, यहाँ पे ऐसे पूरा कवर कर देंगे ऐसे। और अब ऊपर एक और लेयर ऐसे लगाएंगे, और उसके यहाँ पे स्लेब लेकर दो स्लेब यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, ठीक है। और अब यहाँ से हम मब्स को मार सकते हैं, ठीक है, और एक्सपी भी यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो एक ये तोड़ो, और यहाँ पे भी स्लेब लगा देते हैं ताकि आसान हो जाए हमें एक्सपी और ये कलेक्ट करना, और ये ठीक है, ये आगे स्लेब। तो अब इस वाले ब्लॉक से हमें ऊपर जाना है 21 ब्लॉक तक, ठीक है। तो कोबलस्टोन 1, 2, 3, ये चौथा हो गया ना, ऐसे इसे भी साथ में लेके चलते हैं, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो 21 हो गए यहाँ पे, और क्या वोटर से होगा? नहीं, मुझे पता ही था, मैं क्लच में इतना माहिर नहीं हूँ गाइस, क्योंकि पहली बार ये खेल रहा हूँ। भले ही एपिसोड तीसरा है, लेकिन ज़्यादा मैं माइनक्राफ्ट पीसी में खेलता नहीं हूँ, मोबाइल में ही खेलता हूँ, ठीक है। तो उतनी अच्छे से मुझे आता नहीं है क्लच करना। तो फिर से ब्रेड खा लेते हैं और ट्राई करते हैं एक और बार। ओ बच, पानी लग तो, अरे यार कारपेट सारे निकल गए, कोई नहीं बाद में लगा देंगे। यहाँ पे सो जाते हैं। तो इस कारपेट को वापस लगा देते हैं, कहाँ गए, पहले खाना खा लेते हैं और हेल्थ जल्दी बढ़ जाए, और बेड को हाथ में क्या कर ऊपर ले लूँ ताकि कंप्लीट, ये तो चलेगा ही लेकिन जब ज़रूरत हो तब भी काम नहीं करता। तो बेड को ऊपर साथ में ले लेते हैं और यहाँ से चलते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अब नीचे जाना है, तो फिर से ट्राई करते हैं क्या होता है। ओ माँ की आँख, तो
मर गए और वापस यहाँ पे आ गए, सारे चीज़ें उठा ली। और एक काम करता हूँ, ये सब मुझे 21 ब्लॉक ऊपर लेके जाता हूँ और फिर आपको मिलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 21 ब्लॉक हाइट तक हमने ये बना लिया है और अब हमें सब 8 ब्लॉक आगे लेके जाना है सभी पिलर्स को, ठीक है। तो गिन लेते हैं कितना, 1 2 3 4, ये पाँच ही हुआ ना, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, 5 यहाँ से गिनना है और इसे 5 और 8 तक लेके जाना है। तो ये 6 7 8, तो ये ऐसे 8 हो गए हैं ब्लॉक हमारे, 8 ठीक है, 8 हो गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें चारों तरफ ऐसे 8-8 ब्लॉक तक लेके जाना है, ठीक है, इस तरीके से, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर ये चारों तरफ 8-8 ब्लॉक कंप्लीट हो गए। तो और यहाँ से आगे हमें ये पूरा फ्रेम करना है, तो ये हमने फ्रेम स्टार्ट कर दिया, ठीक है, पूरा ऐसे ये 8 ब्लॉक के आगे से ऐसे पूरा ऐसे फ्रेम कर देना है हमें। तो एक सेकंड, कोबलस्टोन ले लेते हैं और पूरा ऐसे फ्रेम करना है हमें। तो फ्रेम करते हैं और फिर दोबारा मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें फ्रेम कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे हमें बस अब डालना है पानी। तो सबसे पहले यहाँ पे अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना लेते हैं ताकि बार बार हमें नीचे जाके पानी लेना ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ से पानी डालना स्टार्ट करते हैं। अबे क्या प्रॉब्लम है इसका, चलो ठीक है। तो फिर से पानी भरते हैं और दोबारा यहाँ पे पानी डालते हैं दूसरी तरफ। तो यहाँ पे से फिर से लेके ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ पे, तो ठीक है। अब ये अनलिमिटेड वाटर सोर्स को ख़त्म करते हैं और फिर से भर लेते हैं। एक सेकेंड, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, यहाँ से पानी भरो, निकालो, ये भी निकालो, फिर से पानी डालो और बकेट सारी भर लेता हूँ ताकि हमें नीचे जाके फिर से भरनी ना पड़े बकेट ज़रूरत पड़े तो। एक सेकेंड, इसे पूरा बंद करना पड़ेगा, हाँ ठीक है। अब जो पानी नीचे गया होगा वो मुझे पता है, उन्होंने कार्पेट को निकाल दिया होगा, तो हमें फिर से कार्पेट लगानी पड़ेगी, लेकिन वो हम बाद में लगा देंगे। तो यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं पूरा ये ब्लॉक करना। यहाँ से हमें हर तरफ ब्लॉक लगाना है, ठीक है, पूरा ये जो फ्रेम हमने बनाए हैं उनको जॉइंट कर देना है पूरा, इससे ये यहाँ से निकालते हैं और यहाँ पे पूरा लॉक कर देते हैं। तो जल्दी से मैं करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ हमारे मफाम में, ठीक है। और अगर आपको बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइज आ रही है तो उसे इग्नोर करना गाइस, ठीक है। तो ओ गाइस, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, हमें वो 2 ब्लॉक हाइट पे फ्रेम करके उसके बाद कोबलस्टोन लगाना था, लेकिन हमने डायरेक्ट लगा दिया, तो वो मैंने चेंज कर दिया है और 2 ब्लॉक हाइट लेके फिर से कोबलस्टोन लगा दिया है, ठीक है। तो इस तरफ अभी कोबलस्टोन लगाना बाकी है, तो देख सकते हैं अपने 2 ब्लॉक हाइट करके उसके बाद यहाँ पे फिर से लगाना स्टार्ट कर चुका हूँ मैं। तो फिर से कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है और अब हमें इसे 3 ब्लॉक हाइट ऊपर लेके जाना है, ठीक है।
तो यहाँ से हम एक दो तीन इसे पूरा फ्रेम करना है लास्ट वाले ब्लॉक को पूरे चारों तरफ, ठीक है। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 पूरा करते हैं फ्रेम और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, पहले ये जो बीच वाला जो काम है वो फिनिश करता हूँ और ताकि फिर से हमें इसके अंदर जाना है ना पड़े, ठीक है। तो ये थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि मेरा ये ESC वाला स्विच कभी कभी ग्लिच कर रहा है, ठीक है, चिपक जा रहा है, उसके वजह से बीच में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ फेस करके ऊपर की तरफ हम यहाँ पे ट्रैप डोर्स लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे सारा ट्रैप डोर लगा के अब इसे क्लोज कर देना है। चलो सही, अबे यार अब ये दिक्कत करेगा, पता ही था, एक बुक समझ नहीं हो रहा, पानी कहाँ गया, अभी कहाँ गया पानी, ठीक है, एक ब्लॉक समझ नहीं हो रहा ठीक से मेरे से, क्योंकि PC में मैं थोड़ा कम खेलता हूँ ना तो ये प्रॉब्लम आती रहती है गाइस। तो इसे इग्नोर करना, ये फिर से नीचे लग तेरी। तो यहाँ से निकालते इसे और इसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है वो और ऊपर आ गए हम। तो यहाँ पे तीन ब्लॉक के ऊपर से ऐसे करके यहाँ पे हमने ये ब्लॉक लगा दिया और इसे अभी हमें पूरा ऊपर ऐसे कवर कर देना है। तीन ब्लॉक हाइट दिया है हमने, तो चौथे ब्लॉक से हमें इसे पूरा ऊपर कवर कर देना है, ठीक है। तो जल्दी से इसे कवर करता हूँ और फिर आपको मिलता हूँ। तो ये हो गया हमारा पूरा कवर। तो अब हम नीचे चल के देखते हैं कि क्या ये मॉब फार्म पूरी तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ताकि पता तो चले कि हमने जो किया है कोई गड़बड़ी नहीं की ना, अगर गड़बड़ी की हो तो सही कर देंगे, ठीक है। तो हम आ चुके हैं ऊपर और पूरा वर्क कर रहा है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया था कारपेट निकल गया है, तो यहाँ पे पूरा कारपेट फिर से लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, गन पाउडर हमें मिल गया है और आने भी लगे हैं मॉब सारे, और स्वॉर्ड हाथ में ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं, थोड़ी देर खड़े रहते हैं, कितने मॉब जाते हैं देखते हैं। तो गाइस अब देख सकते हैं अच्छे खासे अब मॉब आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और हमें XP भी मिलेगा और नीचे जो चेस्ट है उसमें सारा लूट भी जमा होता रहेगा, ठीक है। तो गाइस ठीक है, तो ये था फार्म हमारा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन। और अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं गुजराती में तो हमारे सेकंड चैनल पे आप जा सकते हैं। तो बाय बाय गाइस, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।